बकरीद को लेकर लोगों की लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। आपको बता दें कि भागलपुर में हर्षोल्लास के साथ बकरीद पर्व मनाया जाता है। इसको लेकर लोग बकरा खरीदने में जुटे हुए हैं। भागलपुर के ततारपुर बड़ी मस्जिद के समीप बकरे का बाजार सज जाता है। इस बाजार की सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ 5,000 से लेकर लाखों तक के बकरे मिल जाते हैं। इस बार भी सबसे अधिक कीमत वाला बकरा 85,000 का था। इस बाजार में सलमान 70,000 का, मुर्रा 85,000 का, सेरू 75,000 का, अल्ताफ 65,000 का, गुलजार का कीमत 78,000 रुपए रखे गए हैं। हालांकि दाम सुनकर लोग थोड़े से खरीदने में पीछे भी हटते हैं, लेकिन शौकीन लोग इसे खरीदते भी हैं। इस बाजार में बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड से भी बकरा लेकर बेचने पहुंचे हैं। गोड्डा से आए बकरी पालक ने बताया कि यहाँ ये तीसरा वर्ष हम बकरा लेकर आए हैं। इस बार का बाजार थोड़ा कम है, लेकिन पहले 1.5 लाख तक का बकरा बिका है। वहीं साहेबगंज के किसान ने बताया कि मैं पहली बार आया हूँ, 2 बकरे को लेकर आया हूँ, यहाँ बकरे बिक ही जाते हैं। सभी बकरे अलग अलग नस्ल के होते हैं। सबसे अधिक बकरा या ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरे मिलते हैं। ये जो बकरा है, हाँ, ये किस नस्ल का है, इसकी कीमत क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये मुरान नस्ल का है और इसका कीमत है 85,000। इसको तैयार कब से किए और कितना समय लगा? इसको तैयार करने में 3 साल लगा। 3 साल में कितने महीने का रहता है? क्या 3 साल तैयार करने से पहले ये कितने महीने का रहता है? ये करीब 4 महीने का रहता है। अच्छा, खिलाया क्या क्या, डाइट क्या क्या? इसमें चोकर है, भूसा है, खल्ली है और गट्ठा है। कहाँ से लेकर इसको आए हुए हैं? इसको साहेबगंज झारखंड से लेकर आए। झारखंड से आए। क्या लगता है, ये बकरे की कीमत सुनकर लोग चले जाते हैं या फिर? नहीं, पूछते हैं कीमत तो बोला ठीक है, कीमत सही बता रहे हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पर आते हैं? पहली बार ले गए। पहली बार? इससे पहले कहीं जाते थे किसी? नहीं, पहली बार इसको तैयार किया। हाँ। तो क्या लग रहा है, इतनी कीमत है? कीमत लगभग दे देना चाहिए। दे देना। क्या नाम रखे हैं इसका? इसका मुरहन रखे हैं। मुरहन? क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार कहाँ के रहने वाले? साहेबगंज। साहेबगंज।